देखिए यही डिमांड है ऑडियंस की कि सम्राट एकदम क्लीन शेवन वैसा रहे. बट पर्सनली मुझे वापस उसी लुक में जाने का मन कर रहा है. लेकिन लेट्स सी अभी आई एम स्टिल वंडरिंग कि ऐसा कोई फिर से टाइम आए जब मैं दाढ़ी बढ़ाऊं और वही उसी लुक में वापस जाऊं. या इट्स अ न्यू ट्रैक. सम्राट इज इन मुंबई और मुंबई में रहने खाने का कोई इसका आता पता नहीं है और इज ट्राइंग टू मेक अ लिविंग फॉर हिम. तो अब ये कौन करना शुरू करता है लोगों को और सबसे पहली विक्टिम होती है ये. इसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि एक रईस लड़की को पटा लो और शादी कर लो तो आपके पास भी पैसा आ जाएगा रातों रात. ये सबसे बढ़िया तरीका है रईस बनने का. तो ये एक आइडिया आ जाता है इसके माइंड में कहीं से. तो ये अभी इसी चक्रों में लगा हुआ है कि ऐसी कोई लड़की पटा ले. तो शी इज़ द फर्स्ट विक्टिम जिसको ये पटाता है और शादी वादी के लिए मनाता है और वो सब करता है. बेसिकली जस्ट टू वूअर अराउंड. उसके लिए ये थोड़ा खर्चा भी करता है, उधार लेता है कहीं से 5 लाख रुपए का, गाड़ी खरीदता नहीं है, भाड़े पे लेता है, कपड़े अच्छे पहनता है. यू नो सम्राट अभी मज़ा आ रहा है. मुझे तो खैर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है करना और ये सब चीज़ें करता है, लड़कियों को इम्प्रेस करता है. इट इज़ नाइस. विच अनदर रेंज, अनदर ग्राफ, अनदर आई वुड से यू नो अनदर रेंज फॉर मी टू प्ले एज एन एक्टर. नहीं, अभी सम्राट के लिए उर्मी जो है वो मर चुकी है. क्योंकि अगर आपने season 1 का एंड देखा होगा तो उसमें मैंने वो घर जला दिया था. तो सम्राट के लिए उर्मी इज़ नो मोर राइट नाउ. तो अभी वो आमना सामना जब होगा तो वो बड़ा ड्रामा होगा, वो भी आने वाला है बहुत जल्द. देखिए अभी हम हिट एंड मिस बहुत दिखा रहे हैं. अगर आपने एपिसोड देखे होंगे तो उर्मी और सम्राट मिलते मिलते रह जाते हैं बॉम्बे में, कभी क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे को, कभी गाड़ी से बच जाता है वो. तो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. बट इवेंचुअली यही होने वाला है कि उर्मी एंड सम्राट विल कम फेस टू फेस.